जय भीम, जय जोहार, जय प्रसाद, जय पेरियार। मैं हूं देव प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं बीसीएनसी न्यूज अर्थात बुद्धिस्ट कल्चर न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, यहाँ कहीं भी नजर उठा के देखिए, यहाँ पर जो लोक सेवा आयोग हैं, जो चयन करने वाले आयोग हैं, एनटीए अभी हाल में है, और वहाँ पर जिस तरह से भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं, लगातार निकल के आ रही हैं, इसे पता चलता है कि एक संगठित अपराध यहाँ पर किया जाता है। और इसमें इन आयोगों में काम करने वाले कुछ विशेष समूह के लोग, विशेष जाति के लोग, विशेष संगठन से संबंध या ताल्लुकत रखने वाले लोग ही क्यों पकड़े जाते हैं। आज मैं इस पर बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर के। अभी हाल ही में आपने एनटीए में देखा है, एनटीए फंसा हुआ है, कितने बच्चों की सीटों को लूटा गया है, उनकी प्रतिभा का हनन किया गया है, उनके साथ अन्याय हुआ है। और वर्तमान की जो सरकार है और स्टेट में जिसकी भी सरकार हो, वे सारी की सारी दोषी हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में योगी आदित्यनाथ की एक छवि को लेकर के बहुत बड़ा कयास लगाया जाता था, उम्मीद की जाती थी, लेकिन जिस तरह से आयोग का चाल चरित्र बदला, यूपी ट्रिपल एससी तो सो के बैठ गया है, रिजल्ट नहीं दे रहा। लोग जब बच्चे कहते हैं कि सर जब तक टोकरी रख करके सारी सीटें बेक नहीं दी जाएंगी तब तक रिजल्ट नहीं निकालेंगे, ये मेरा कथन नहीं है, बच्चों का कथन है। एक क्या हाल बना दिया है सारी सरकारों का, कोई एक व्यक्ति या कोई नेता दोषी नहीं है। अभी वर्तमान में योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक मंत्री है ओम प्रकाश राजभर, उसका एक वीडियो वायरल हुआ और उसमें ये कह रहा था कि नौकरी लगाने वाला व्यक्ति से हमारा संबंध हो चुका है, कौन है वो लोग, और ये पैसे लेकर के नौकरी देते हैं, लगवाते हैं, तो क्या ये प्रशासनिक और राजनीतिक असफलता नहीं है, क्या ये संविधान के साथ द्रोह नहीं है, क्या उन मानवतावादी लोगों के साथ द्रोह नहीं है, उन प्रतिभाशाली छात्रों के साथ द्रोह नहीं है। निश्चित रूप से ये अपराध है, ये संगठित अपराध है, कोई एक अकेला व्यक्ति से अंजाम नहीं दे सकता है। अभी हाल ही में बात मैं करूं तो पीसीएस जे जुडिशियल, उसमें क्या हुआ है, बदली गई है 50 कॉपियां। अभी तो जांच की प्राथमिक रिपोर्ट है, अगर डिटेल में इसकी सीबीआई जांच अगर हो जाए तो ये दायरा और बढ़ेगा, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और ये तब है जब एक बच्चा कोर्ट में जाता है, वहां से आदेश कराता है, तब ये निर्णय आता है। ये तो छुपा दिया था पूरा आयोग ने, आयोग जो कि इस वक्त स्वयं संरक्षण दिए है अपने यहां के अपराधियों को जो कि भ्रष्टाचार में इस तरह से लिप्त हैं। देखिए जैसे समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई और कह दिया सुचितापूर्ण, शाम को ही लड़के प्रूफ दे रहे थे, सुनने को राजी नहीं थे, वो तो सड़कों पर लड़के आए, तब जाकर के निरस्त हुआ, प्रूफ दिए गए, वरना आयोग तो कह ही चुका था सुचितापूर्ण है। तो इस वक्त जो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है और निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारी है नैतिकता के आधार पर उसे इस्तीफा दे करके उसको अपने घर बैठना चाहिए था और सरकार को चाहिए था कि उस पर प्रॉपर वे में इंक्वायरी करा करके अपराधियों को जेल भेजे, बुलडोजर चलाए। योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बुलडोजर चलाते ऐसे अपराधियों को, जो कि मेहनत करने वाले बच्चे दिन रात पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपना पूरा समय, अपनी खुशियां, अपना कंफर्ट जोन छोड़ करके लाइब्रेरी में गुजारते हैं, अभाव की जिंदगी जीते हैं, और ऐसे बच्चों के साथ अगर ये खिलवाड़ होगा तो सामने वाला कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, कितना बड़ा गुंडा क्यों ना हो, कितना बड़ा संगठित पार्टी का अध्यक्ष क्यों ना हो, उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। और ये आवाज हमें संविधान देता है, संविधान में अधिकार देता है कि इन संगठित अपराधियों के खिलाफ खड़े हो जाने चाहिए। योगी आदित्यनाथ से हमारी अपील है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ आप इंक्वायरी बैठाएं, प्रॉपर वे में जांच हो, और जितने भी इसमें संलग्न लोग हैं आयोग के, आयोग से बाहर, उन सबको जेल जाना चाहिए। और ये निर्णय आना चाहिए, दिखना भी चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका में इस तरह से ये लोग जाएंगे तो ये क्या करेंगे, इनकी ज्यूडिशियल करेक्टर शुरू से ही डाउटफुल है, इनके करेक्टर है ही नहीं,
तो ये भारतीय न्याय प्रणाली को तो ध्वस्त करेंगे करेंगे, संविधान को ध्वस्त करेंगे, सरकार को ध्वस्त करेंगे। इसलिए योगी आदित्यनाथ से मेरी अपील है, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी की पूरी अपील है कि आप उन छात्रों के साथ न्याय करिए। अगर आप भी न्याय नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में 2027 में ये जो बहुत बड़ी संख्या है ये आपको धूल चटा देगी, धर्म का जो चाशनी है वो रखा रह जाएगा। जब गरीब अपनी बात पर आता है, अपने इरादों पर आता है, तो धर्म की चाशनी नहीं डूबती है। ध्यान रखिएगा, आप एक जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग है, इस ताकत का प्रयोग करते हुए एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लीजिए, जैसे अब तक आप बहुत से निर्णय में लेते आए हैं। चलिए, पीसीएस जे मेंस में बदली गई 50 कॉपियां, 5 अधिकारी मिले दोषी, 3 उसमें निलंबित हो गए हैं। यूपीपीएससी ने पर्यवेक्षणी अधिकारी सतीश चंद्र मिश्र के खिलाफ की विभागीय जांच। अब सतीश चंद्र मिश्र, ध्यान रखना, इसके खिलाफ क्या क्या होना चाहिए मैं बता रहा हूं आपको। इस व्यक्ति के खिलाफ इसकी आय की संपत्ति जांचनी चाहिए, इसकी पत्नी की संपत्ति, इसका आईटीआर, इसके भाई का आईटीआर, इसके पूरे परिवार का आईटीआर चेक होना चाहिए कि इसकी संपत्ति कैसे बढ़ी, कब बढ़ी, कैसे इसने इनकम किया, पूरी होना चाहिए। साथ ही इससे संबंधित कौन कौन लोगों से यह वार्तालाप करता था, ये सारा जानकारी होने चाहिए। और ध्यान रखिएगा, 2015 पीसीएस 2015 में भी बदली गई थी कॉपियां, मामला दबा दिया गया था। इसलिए सरकारों पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं है, सरकारों को तो निर्णय लेना है कि इनको जो अपराधी हैं, जो ये अपराध करते हैं, उनको कैसे सजा दी जाए, कैसे बच्चों को न्याय दिया जाए। मेरी तो उनसे यही रिक्वेस्ट है। 2015 में दूसरी सरकार है और 2022 में आपकी सरकार थी, इसलिए सरकारों को तो मामला इग्नोर करता हूं, ठीक है, आप उस पर निर्णय लीजिए। पीसीएस 2015 में एक महिला आवृत्ति थी, ठीक है, वाजपेयी थी, और इनकी कॉपी बदल गई थी और इन्होंने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी की, तब मालूम पड़ा कोर्ट से, नहीं तो आयोग तो सुन ही नहीं रहा था, इन्हें ही बेवकूफ बना था तो फेल हो गई होंगी। आरटीआई लगाई, आरटीआई लगा करके मामला खुला और फिर उन्हें इंटरव्यू के लिए भी कॉल किया गया, यानी जो लड़की फेल कर दी गई वो कॉपी द्वारा चेक हुई, वो जब निकाला गया तो पास निकली, लेकिन इंटरव्यू में फेल कर दिया गया। ये आयोग का मामला था, पीसीएस 2015 की कॉपी बात कर रहा हूं, यहां पर कॉपी बदली गई थी। ये क्या हो रहा है, मजाक बना के रख दिया है आयोग को, अब नहीं होना चाहिए। और निश्चित रूप से ये मान लीजिएगा, अब इस पर लंबी लड़ाई चलेगी, जब सामने वाला कोई व्यक्ति किसी पद पर क्यों ना हो, चाहे वो पूरे देश में नेटवर्क का ही सबसे बड़ा आने वाला उत्तराधिकारी क्यों ना हो, निश्चित रूप से समझिएगा इस केस में जानकारी होनी चाहिए। साथ ही मायावती, आकाश आनंद, राहुल, अखिलेश यादव और तमाम उन बहुजन समाज के नेताओं को इस मुद्दे को फ्रंट पर लाकर के सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि एक निष्पक्ष जांच हो सके, क्योंकि आयोग अपनी कमी छुपाएगा यह तय है। 2015 में भी इसने किया और 2022 के केस में भी कर सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री दोषी नहीं है, मैं जानता हूं, मुख्यमंत्री का करेक्टर दोषी नहीं है, यह भी मैं जानता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री अगर इसमें निर्णय नहीं करा पाए तो वो दोषी हो जाएंगे, क्योंकि आप निर्णय बताएगा कि 2015 और 2022 के बाद ये दो केसेस में आप निष्पक्ष द्वारा जांच कराइए, पैनल बैठाइए, अगर आपके पास टीम ना हो तो सीबीआई को भेजिएगा, लेकिन इस पर निर्णय कराइएगा। 2027 का चुनाव आपके लिए खतरा हो जाएगा, यह बड़ा मुद्दा बनने वाला है। आज समझ में आए तो समझ लीजिए, नहीं तो आने वाला तो है ही है, चाहे आप कितना भी कर लीजिए। आप संविधान पर यह देश जा चुका है, कोई नहीं रोक पाएगा, और धर्म की राजनीति को संविधान पराजित कर देगा, चाहे धर्म का मानने वाला व्यक्ति कितना भी त्यागी क्यों ना हो। यहां पर देखिए आप, मैं यहां परीक्षा नियंत्रक चेक करेंगे 10% कॉपियों की कोडिंग है। पीसीएस जे मेंस में कॉपियों की अदला बदली का प्रकरण यह मामला है। पीसीएस जे मुख्य परीक्षा 2022 में आयोग ने कॉपियों की अदला बदली के प्रकरण के बाद पर्यवेक्षणी अधिकारी और परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। अब यह आयोग लपेट रहा है, अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, इसीलिए इसकी जुडिशरी जांच होनी चाहिए। अब देखिए, अगर पर्यवेक्षणी अधिकारी हर मंडल में से सिर्फ एक एक कॉपी की रैंडम जांच कर लेते तो पता चल जाता कि कोडिंग गलत हो गई है। अब ये लीपापोती कर रहे हैं कोडिंग गलत हो गई है इसलिए बदल गई है। अरे वही रिजल्ट बदल गया, उसका जो ऊपर नीचे जो हो जाएंगे, कहां का बच्चा कहां चला जाएगा,
ये सब कुछ गुड़ गोबर हो चुका है, कितना लीपोगे पोतोगे। ये बेवकूफ बनाने की साजिश मत करिए, सीधे कहिए कि जुडिशरी और जज के पदों को हत्याने की पूरी साजिश है आयोग की। आयोग इसमें शामिल है, आयोग के अधिकारी इसमें शामिल है, क्योंकि यह संगठित अपराध है, एक ने कोई अंजाम नहीं दिया होगा। और इसमें लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है, इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। इससे पहले वाला जो 2015 में था, उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इसलिए टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी और बीसीएनसी न्यूज दोनों योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस पर निष्पक्ष जांच कराएंगे। मुझे उम्मीद है आप कराएंगे। अब ये उम्मीद टूटती है या खरी उतरती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये मुद्दा अब गर्माएगा ही, क्योंकि बच्चों के साथ अन्याय अब नहीं होगा, और हम डरने वालों में से नहीं है। जय भीम।